Hey guys, आज मैंने आपके लिए फिर से टाइपिंग का काम लाया जहां पर आपको सिंपली टाइप करना है और अर्निंग करनी है। काफी अमेजिंग बात है, आपको सिंपली टाइपिंग करना है और अर्निंग करना है guys। यहां पर आपको एक चीज बता दूं, ये जो वेबसाइट है बिल्कुल फेक नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि ये वेबसाइट फेक है तो आप बहुत गलत सोच रहे हो, क्योंकि इस वीडियो को एंड तक देखते देखते आप समझ जाओगे कि यहां पर जो अर्निंग होती है वो जेन्युइन होने वाली है गाइस। 100% जेन्युइन अर्निंग करने वाले हो। और गाइस यहां पर आपको बता दूं, बड़े से बड़े लोग यहां पर कितनी अर्निंग कर रहे हैं पर मंथ की, ये भी सुन लो आप। बड़े से बड़े लोग यहां पर कितनी अर्निंग कर रहे हैं पर मंथ की, कम से कम 1200 से लेकर $1300 पर मंथ सिर्फ टाइपिंग करके डॉलर में अर्निंग कर रहे गाइस। यानी कि $1 इंडिया में 72 होता है, तो आप समझ जाइए $1000 इंडिया में 72,000 होता है, जो एक अच्छी खासी इनकम कहा जाती है गाइस। और यहां पर जो आपको टाइपिंग का काम करना है, ये मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर जो आपको टाइपिंग का काम करना है गाइस, वो है एज ए ट्रांसक्राइबर। अगर आप ट्रांसक्राइबर के बारे में जानते होगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं अभी आपको बता देता हूं। ट्रांसक्राइबर का मतलब ये होता है गाइस कि कोई भी ऑडियो या वीडियो फाइल आपको दी जाएगी, उसको आपको सुनना है अपने कान के थ्रू और उसको टाइप करना है बाय अपने फिंगर के थ्रू। समझ चुके हैं आप? अगर आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूं, ट्रांसक्राइबर का मतलब ये होता है कि कोई ऑडियो फाइल दी जाएगी क्या कोई वीडियो फाइल दी जाएगी, ये ऑडियो या वीडियो फाइल को सुनना पड़ेगा आपको और उसको सुन के टाइप करना है। और साथ में वीडियो के एंड में मैं आपको एक टूल बताऊंगा जहां पर आपको सिंपली इस ऑडियो को पुट कर देना और टाइप अपने आप हो जाएगा, है ना। इंटरेस्टिंग सारी चीजें इसी वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको कोई भी मुश्किल होगी तो नीचे कमेंट कर देना। साथ में आपको इसी वीडियो में लाइव प्रूफ खुद टाइप करके बताऊंगा कैसे आपको सुनना है, कैसे टाइप करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही अर्निंग रिलेटेड और रियलिटी वीडियोस लाते रहते हैं हम अपने YouTube चैनल पे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप हमारे वीडियोस को पसंद करते हो। तो गाइस इस वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, बट अगर आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करना नहीं चाहते, आपको सर्च करना है तो आप सर्च कर सकते हो। और यहां जैसे कि आप देख सकते हो कास्टिंग वर्ड्स आपको सर्च कर लेना है। अब सर्च करने से पहले मैं आपको सारी चीज बताने से पहले मैं आपको यहां पर फैक्ट्स बताऊंगा। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको रियलिटी प्रूफ करके बताऊंगा क्या सही में कास्टिंग वेबसाइट रियल है कि फेक, तो अभी मैं आपको कुछ प्रूफ बताता हूं जिससे आपको यकीन हो जाए जो कास्टिंग वेबसाइट जो है एकदम फैक्ट यानी रियल है। तो गाइस यहीं पर आप गूगल पे देख सकते हो, जहां पर हमने कास्टिंग वर्ड सर्च किया था वहां पर हमने देख सकते हो, यहां पर नीचे फोर्थ लाइन पे देख सकते हो इस castingwords.com लीजिट का मतलब है कि नहीं। तो यहां आप देख सकते हो मैंने क्लिक किया है, यहां पर देख सकते हो कास्टिंग वर्ड ट्रांसक्रिप्शनिस्ट इज रेट 4.46, 5 में से 4.46 का रेटिंग है जो काफी अच्छा है। स्टार्ट्स बेस्ड ऑन 3739 कस्टमर रिव्यू। यहां पर इतने कस्टमर का रिव्यू होने के बाद ये मालूम पड़ रहा है कि ये जो है एकदम फैक्ट है यानी रियल है। चलिए अब मैं आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं ये बताता हूं। सिंपली आपको कास्टिंग वर्ड्स पे क्लिक कर देना है, और अगर आप वेबसाइट पे रहोगे तो आप सिंपली कास्टिंग वर्ड्स पे पहुंच जाओगे। सारी चीजें बताने से पहले मैं आपको यहां पर कुछ बता दूं जहां पर आपको इंटरेस्टिंग मोटिवेट मिल जाए आपको कि आप यहां से कितनी अर्निंग कर सकते। तो गाइस अब मैं आपको बता रहा हूं 3 easy steps चूज अ ट्रांसक्रिप्शनिस्ट सर्विस टू बिंग। यहां पर जो सर्विस है दूसरे को दी जाती है वो, इससे आपको पता चल जाएगा कि आप कितना कमा सकते हो। यहां पर बजट पे देख सकते हो, यहां पर आपको पर मिनट का $1 मिल रहा है। बाकी मैंने एक वीडियो बनाया जहां पर आपको पर मिनट का $1.25 मिल रहा है, जो सबसे पहली वेबसाइट है ट्रांसक्रिप्शनिस्ट की और वर्ल्ड में वो काफी बेस्ट है। ये सारी वेबसाइट इंटरनेशनल है गाइस, तो यहां पर आपको अर्निंग 100% रियल मिलने वाली है। इसके बाद गाइस अगर आपको कोई काम मिलता है जो एक हफ्ते के लिए मिलता है, तो उसके लिए आपको जो आपकी प्राइस बढ़ जाएगी लगभग $1.50 पर मिनट का आपको मिलेगा। और जो काम आपको एक दिन यानी कि एक दिन के अंदर आपको काम सबमिट करना है उसकी जो अर्निंग है और बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको एक दिन के अंदर ही वो काम देना है, तो इसके लिए उसकी जो अर्निंग है $2.50 हो जाएगी। यहां पर जो भी चीज बता रहा हूं रियल एंड फैक्ट बता रहा हूं, आपको खुद देख लेना चाहिए। यहां पर देख तो आप यहां पर 4.3 की रेटिंग दी गई है यहां पर, और यहां पर आपको सिंपली रजिस्ट्रेशन करने के लिए 3 dots पे क्लिक करके डेस्कटॉप मोड को ऑन कर लेना, जिससे आपकी जो स्क्रीन है काफी बड़ी दिखने लगे और आपको आसानी हो समझने के लिए। सिंपली नीचे आ जाना है स्क्रॉल डाउन करके, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहां पर देख लेना है कस्टमर के नीचे आपको साइन अप का ऑप्शन मिल रहा है, वहां क्लिक कर लेना है साइन अप पे। सिंपली जैसे आप यहां पर साइन अप पे क्लिक कर ले तो यहां पर आपको क्रिएट कस्टमर अकाउंट का ऑप्शन मिल रहा है, जहां पर आपको कुछ फिल नहीं करना है। आपको सिंपली यहां देख सकते हो लुकिंग टू बी अ फ्रीलांसर क्लिक हियर, यहां पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप लुकिंग अ फ्रीलांसर पे क्लिक करते हो तो यहां पर आपको सिंपली रजिस्टर और लॉगिन नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहां पर क्लिक कर देते हो गाइस, यहां पर आपको सिंपली आपका नाम डाल देना है और यहां पर आपको अपना ईमेल एड्रेस डाल देना है, उसके बाद पासवर्ड डाल देना है। उसी पासवर्ड को आपको दोबारा से डाल के
गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ये सारे प्रोसेस कर लोगे ना गाइज, उसके बाद आपको यहाँ पर साइड में लॉगिन करना पड़ेगा उसी ईमेल आईडी और पासवर्ड के, और लॉगिन होने के बाद मैं आगे का जो भी प्रोसेस है आपको बताता हूँ। तो गाइज जैसे ही आप लॉगिन करते हो तो आप आ जाते हो स्टेप टू पे, जहाँ पर आपको सिंपली आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, वो भी पेपैल का। याद रखना गाइस, अगर आपके पास पेपैल का अकाउंट अभी तक नहीं है तो भी आप कोई भी ईमेल आईडी डालना, बट याद रखना जो ईमेल आईडी आप यहाँ पर डाल रहे हो पेपैल अकाउंट के लिए, यहाँ पर आपको वही ईमेल आईडी वापस यूज़ करना है पेपैल अकाउंट बनाते समय, ताकि जो अर्निंग है आपके पेपैल के अकाउंट में आ जाए। वापस से मैं रिपीट करता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पर जो आप पेपैल का ईमेल आईडी डाल रहे हो, अगर आपके पास पेपैल का अकाउंट अभी तक नहीं है तो आप यहाँ पर कोई भी ईमेल आईडी डाल दो, बाद में जब आप पेपैल का अकाउंट बनाओगे तो वहाँ पर वही ईमेल आईडी यूज़ करना जो यहाँ पर आप डाले हो। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल देना है, एड्रेस 1 एड्रेस 2 डाल देना है, सिटी डाल देना है, वहाँ पर स्टेट डाल देना है, उसके नीचे आपको जिप डाल देना है, और उसके नीचे आपको कंट्री डाल दे देना है। उसके बाद यहाँ पर तीनों टिक कर देना है, यहाँ पर दोनों टिक कर देना है। उसके बाद याद रखना गाइस, आपको यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। चलिए ये स्टेप मैं आपको अच्छे से क्लियर करके बताता हूँ, उसके बाद जो आगे का प्रोसेस है वो आपको बताता हूँ। गाइस जैसे ही आप कास्टिंग वर्ड्स पे अपना एक फ्रीलांसर अकाउंट बना लेते हो, तो उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर कुछ अपने बारे में लिखना है। गाइस यहाँ पर आपको अपने बारे में कुछ लिखना है, यहाँ देख सकते हो अबाउट योर सेल्फ, जो भी चीज़ आपकी अच्छी हॉबीज जो भी है जिसके थ्रू आपको काम अच्छे से अच्छा मिले। और याद रखना गाइस, यहाँ पर आप जो भी टाइप करते हो उसमें जो ग्रामर होता है ना, काफ़ी अच्छा रखना, कोई भी ग्रामर, जैसे कि आपका ग्रामर अच्छा होना चाहिए, आपका नॉन प्रोनाउंसिएशन जो भी है वो अच्छा होना चाहिए, खाली उनको समझ जाना चाहिए कि आपका जो टाइपिंग है काफ़ी अच्छा है, आपके पास स्किल्स है टाइपिंग करने के, और उनको ये नहीं लगना चाहिए कि आपको टाइपिंग करना नहीं आता। सिंपली यही एक सिंपल बात बताता हूँ आपको। ये जो है हमारा स्टेप 3 है, इसके बाद जो आएगा हमारा स्टेप 4। तो गाइस आगे हमारा सबसे लास्ट स्टेप, जहाँ पर आपको सिंपली ट्रांसक्रिप्शनिस्ट का टेस्ट देना है, यानी कि यहाँ पर आपको एक ऑडियो फाइल मिलेगी गाइस, यानी कि यहाँ पर आपको एक ऑडियो फाइल मिलेगी जिसको आपको सिंपली सुन के टाइप करना है गाइस। यहाँ आप नीचे देख सकते हो स्टार्ट ट्रांसक्राइबिंग टेस्ट का एक ऑप्शन मिल रहा है, जहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे कि गाइस आप देख सकते हो मैंने स्टार्ट ट्रांसक्राइबिंग पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर देख सकते हो एक ऑडियो फाइल दिख रहा है, जिस पे आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर 2 मिनट का ऑडियो फाइल दी गई है, और इसको सिंपली आपको टाइप करना है सुन के। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है, उसके बाद गाइस जैसे ही आपने इस ऑडियो फाइल को अच्छे से सुन के टाइप कर लिया, आपको यहाँ पर सिंपली सबमिट जॉब पे क्लिक कर देना है। तो गाइस जैसे ही आप इसको सबमिट जॉब पे क्लिक कर देते हो, तो कास्टिंग वर्ड इसको रिव्यू करेगा विद इन 24 आवर्स, 48 आवर्स, या तो फिर मैक्सिमम 15 दिन के अंदर आपको मेल आ जाएगा, जो आपके इसी ईमेल आईडी पे आएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के थ्रू डाला है। आपको एक चीज़ बता देता हूँ गाइस, आपको रोज जाना है अपने ईमेल आईडी पे, चेक करना है कि कोई मेल आया है कि नहीं कास्टिंग वर्ड्स के ऊपर, और अगर आपको ऐसे ही मेल आएंगे तो आपका काम बन जाएगा गाइस, और आप यहां से अर्निंग करना शुरू कर दो। तो गाइस इसी वीडियो में मैंने आपको सारी चीजें बता दी, कैसे आपको कास्टिंग वर्ड्स पे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको विड्रॉवल लेना है, कैसे आपको काम मिलेंगे, सारी चीजें इसी वीडियो में मैंने आपको क्लियर कट बता दी है। अब गाइस यहां पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स देता हूं जिससे आप अर्निंग अच्छी कर सको। गाइस यहां पर आपको वेट करना पड़ेगा जब तक आपका टेस्ट जो है रिव्यू में होगा, जैसे ही रिव्यू अच्छा जाएगा आपका तो आपको मेल आ जाएगा, उसके बाद आप सिंपली कास्टिंग वर्ड्स वाले के सिंपली आप कास्टिंग वर्ड से बात कर सकते हो, और उसके बाद जो आपकी अर्निंग और आपका काम करने का मेथड शुरू हो जाएगा। अब काफी लोग सोच रहे होंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप सर्च कर सकते हो कास्टिंग वर्ड्स के बारे में और अच्छे से अच्छी डिटेल जमा कर सकते हो, उसके बाद ही आप पहले रिसर्च कीजिए इस वेबसाइट के ऊपर, उसके बाद ही आप जाइए यहां पर अपना काम कीजिए। मैं आपको खुद अपने मुंह से बोल रहा हूं, आप जाइए पहले रिसर्च कीजिए कास्टिंग वर्ड्स के बारे में, गूगल पे यूट्यूब पे जहां आपको बेहतर लगे वहां जाके रिसर्च कीजिए कास्टिंग वेबसाइट के बारे में, उसके बाद ही जाइए अपना टाइम लगाइए वहां पर, नहीं तो आप बोलोगे टाइम वेस्ट है। तो चलिए गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो भी काम बनते रीति रिवाज सब्सक्राइब शेयर जो भी करना है कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अर्निंग के साथ, सही फैक्ट एंड फन के साथ। तो चलिए वीडियो को खत्म।